विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में राजनांदगांव पहुंचे, जहां भी भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उसके बाद गुरु नानक चौक में गुरुद्वारा पहुंची। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि सिखों के दसों गुरुओं ने हिंदुस्तान और सनातन धर्म की रक्षा की है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने हिंदू और सनातन और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। रमन सिंह ने कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है और सभी का हालचाल जाना। चार चार पुत्र शहीद हो रहे और उसके बाद भी एक सिर्फ और एक शर्त इस्लाम स्वीकार कर ले, धर्म स्वीकार कर ले, धर्म छोड़ दे, मगर धर्म की रक्षा और संस्कृति की रक्षा, आज देश की संस्कृति, आज हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान का यदि कल्चर जिंदा है तो हमारे गुरुओं के इस प्रकार के जो अद्भुत शहादत दिए हैं, जो संघर्ष किया है, उसके वजह से आज हिंदुस्तान हजारों हजार साल के बाद भी रहने के बाद भी अपने स्थान पे खड़ा है। आज विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला, भागवत कथा का भी आयोजन है और सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे राष्ट्रीय स्तर में आज वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में उस बड़े शहादत को याद करते हैं जिन्होंने इस सनातन की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह के दोनों सुपुत्रों ने, ऐसे तो चारों सुपुत्रों का बलिदान हुआ मगर दो सुपुत्रों को जिस प्रकार की वाल से चुनवा दिया गया और जिस प्रकार दसों गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी, उबलते हुए तेल में उनको डाला गया, आरी से काटा गया, बच्चों को दीवाल से चुनवा दिया गया, उसके बाद भी धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है ये गुरुओं ने साबित किया और उसी की याद भी है। उसके भी कार्यक्रम है, उसके भी आयोजन में जाऊंगा और नई जवाबदारी के साथ लोगों के बीच जाने का अवसर मिल रहा है।